हेलो गाइस, बात करने वाले हैं आयशा सिंह के बारे में। आयशा सिंह की अगर बात करिए तो पता है, जैसा कि खबरें सामने आ रही हैं, आयशा सिंह बहुत ही जल्द नज़र आने वाली हैं शिवम आहूजा के अपोजिट, शिवम खजूरिया के अपोजिट। जी हाँ, शिवम खजूरिया की बात करें तो वो भी टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं। मतलब हालांकि ऐसा कोई उन्हें नाम फिर पहचान नहीं मिली हुई है, लेकिन हाँ, उन्होंने कई सारे शो किए हैं एज अ लीड, तो टीवी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता वो भी रहे हैं। वहीं आयशा सिंह की अगर हम बात करें तो एक ही शो से, अपने डेब्यू शो से उन्होंने चारों तरफ अपनी पहचान बना ली है। सही के कैरेक्टर से घर घर में फेमस हैं। अभी बात कर रहे हैं उनके न्यू प्रोजेक्ट को लेकर, तो ये दोनों एक साथ नज़र आने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो अभी फैंस जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं इस शो की अगर हम बात करें तो। बहुत ही जल्द आपको इस शो का प्रोमो भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल कास्टिंग फाइनल हो चुकी है। यहाँ पर फैंस जो हैं लगातार डिमांड कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से आयशा सिंह को लेकर। फाइनली आयशा सिंह अब नज़र आने वाली हैं। ये बात सुनकर फैंस को, ये फैंस के लिए इससे बड़ी गुड न्यूज़ तो नहीं होने वाली है, क्योंकि लगातार जो डिमांड कर रहे थे वो फाइनली वो डिमांड पूरी होने वाली है। हालांकि नील भट्ट के साथ में उन्हें देखना चाहते थे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। नील भट्ट की अगर हम बात करें तो वो फाइनली अदर प्रोजेक्ट में देखने को मिल रहे हैं, जो कि कलर्स टीवी का शो रहा है। वहाँ पर वो उनका प्रोमो रिलीज़ हो चुका है। एक बार फिर से आईएएस के कैरेक्टर में वहाँ पर वो देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ आयशा की हम बात करें तो यहाँ पर वो एक वैसी ही कैरेक्टर में नज़र आने वाली हैं। अभी बहू का कैरेक्टर तो वो प्ले करेंगी ही, जिस तरीके से शो का टाइटल है एक प्रेम कहानी, तो जिस तरीके से शो का ये टाइटल डिसाइड किया गया है, तो यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के बीच की स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली आगे चल के सास बहू ड्रामा टाइप शो बन ही सकता है, प्यार से स्टोरी स्टार्ट होके, जैसा कि हर शो के साथ में होता है, तो कुछ वैसा इस शो के साथ भी हो सकता है। फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर इस शो के लिए यही है कि यहाँ पर आयशा सिंह शो का हिस्सा बनने वाली हैं, जिनको लेकर हाई डिमांड चल रही थी। तो कमेंट करके आप लोग भी अपनी एक्साइटमेंट बताइएगा, फाइनली कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप ये गुड न्यूज़ सुनने के बाद। वीडियो अगर अच्छा लग गया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।